नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। उज्जैन के महाकाल मंदिर में कांवड़ यात्री इस बार आरओ के जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। मंदिर समिति ने इसके लिए एक सिस्टम तैयार किया है, जिसकी सहायता से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। कांवड़ यात्री चांदी के पात्र में जल डालेंगे, जो आरओ प्लांट से होता हुआ पाइप के माध्यम से मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचेगा। शिवलिंग क्षरण को रोकने के लिए मंदिर प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पहले से पालन कर रहा है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि श्रावण के महीने में देश भर से श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुंचते हैं, जो नदियों के जल से भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। इस बार सभी कांवड़ यात्री चांदी के पात्र में जल डालेंगे, जो पाइपलाइन से होता हुआ आरओ सिस्टम तक पहुंचेगा और फिर फिल्टर होने के बाद उससे भगवान शिव का अभिषेक किया जाएगा। देखिए, वो जो कांवड़ यात्री जल लाते हैं, उसका बेसिकली पानी की शुद्धता के संबंध में एक टीम आके हमने चर्चा की है उनसे। उसमें जो एलईडी जो कांवड़ यात्री जल रहता है, उसका पीएच वैल्यू एल्क्राइन रहता है बहुत। वो कहीं ना कहीं बाबा महाकाल के ऊपर जल चढ़ता है, तो उससे उनको शरण होने की संभावना रहती है। जैसा कि एसआई वगैरह ने बोला है कि पीएच कंट्रोल किया जाए, उसमें एक हम लोग चैम्बर टाइप का बना रहे हैं, जिसमें कि पानी की स्क्रीनिंग होगी, उसमें सॉलिड वेस्ट होगा वो अलग होगा। उसके बाद उसको हम लोग एक यूवी फिल्टर से होते हुए और एक सैंड फिल्टर के माध्यम से फिर उसको बाबा महाकाल में चढ़ाया जाएगा, उससे पीएच कंट्रोल हो जाएगा उसका। उज्जैन से सुदर्शन सोनी, न्यूज़ आज। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।